हाय दोस्तों, आई एम यूसुफ। यू आर वॉचिंग एनिमल लवर वाईके। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम जिस गोट ब्रीड के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है कोटा, जो कि एक राजस्थानी ब्रीड है। और इसका जो उत्पादन यानी कि बकरी पालन जो किया जाता है, वो मांस मांस दूध और स्किन, यानी कि मांस दूध और चमड़ी उत्पादन के लिए भी किया जाता है। और ये एक कुर्बानी मार्केट और रेगुलर मार्केट दोनों में सूटेबल है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रीड मानी जाती है भारत की। तो आज हम इसी ब्रीड के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो एंड तक देखते रहिए, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लोकेशन के बारे में। तो नाम के ऊपर से ही आपको पता चल गया होगा कि ये जो राजस्थानी ब्रीड है, ये राजस्थान के कोटा जिले से पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम कोटा रखा गया है। और इसे जो एक और एक नाम भी रखा गया है, करौली कोटा, यानी कि इसमें कोटा में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे करौली कोटा। और अब भी जो ब्रीड आती है वो तो अलग अलग रंग में आती है, वो तो नॉर्मल कोटा हो गए। और करौली कोटा जो होते हैं वो ब्लैक और ब्राउन कलर में कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं, वही प्योर क्वालिटी के कोटा माने जाते हैं। तो लोकेशन की बात करें तो इसमें कोटा राजस्थान में और कुछ जिलों में, उनके आसपास के जिलों में पाए जाते हैं। लेकिन अभी जो इसका बकरी पालन है, ये महाराष्ट्र और गुजरात जैसे जिलों में भी किया जाता है। और इसका जो उत्पादन है ये बहुत ही ऊँचे प्रमाण में किया जाता है कुर्बानी मार्केट के लिए, और इनके दाम भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। तो ये था इसके लोकेशन के बारे में। पहचान की बात करें तो ये जमुनापारी और बीटल जो बड़ी बड़ी जो नस्लें होते हैं, उनको टक्कर देने वाली नस्ल है ये, क्योंकि हाइट में और बॉडी में बहुत ही ज़्यादा वजन इनमें पाया जाता है। कम से कम 100 और 150 किलोग्राम के भी कोटा नस्ल के बकरे पाए गए हैं, जो कि मुंबई में कुर्बानी के टाइम पे आपको देखने मिलते ही होंगे। और इनके जो पैर होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, यानी कि बड़े होते हैं। ज़्यादातर इसमें ब्लैक और ब्राउन कलर के पैचेस में होते हैं, वो असली नस्ल के बकरे होते हैं। लेकिन आजकल वाइट और सफ़ेद रंग में, चॉकलेटी रंग में, सारे रंग में पाए जाते हैं। तो और भी खूबसूरत दिखते हैं ये ब्रीड। और इनके जो मेन जो खासियत है, इनके जो कान होते हैं वो फ्लैट होते हैं, यानी कि लंबे होते हैं और चपटे होते हैं, जैसे बीटल के फैले हुए रहते हैं। लेकिन इनके जो होते हैं पूरे चिपके हुए रहते हैं, लेकिन लंबे होते हैं। और इनकी सिंग से आप पहचान सकते हो कि ये कोटा है, यानी कि घूमे हुए रहते हैं और ऊपर की तरफ पॉइंट वाले रहते हैं, यानी कि पूरे ऐसे कोन टाइप में रहते हैं, जिससे आप पहचान सकते हो कि ये कोटा नस्ल के बकरे हैं। और इनमें जो झालर होती है वो बहुत ही लंबी होती है और बड़ी होती है, जिससे ये बहुत ही बड़े टाइप के और एकदम खूबसूरत टाइप के बकरे दिखते हैं। तो ये हो गई बात पहचान के बारे में। पहचान के बाद अभी हम बात करेंगे प्रजनन क्षमता के बारे में। इनके जो नस्ल की बकरियां हैं, ये जो 18 से 20 महीने की होने के बाद प्रजनन करने के लायक होती है। तो आपके पास अगर फीमेल होगी कोटा की, तो 18 से 20 महीने तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद आप इससे मेटिंग करा के इससे आप लोड करा सकते हो। और इसमें जो बच्चे जो देती है, ये 14 से 15 महीनों में दो बार ये बच्चों को जन्म देती है। और ज़्यादातर इनमें जो बच्चे देने का प्रमाण है वो सिंगल है, यानी कि जमुनापारी ब्रीड के जैसे ही। ये भी ब्रीड साल में दो बार ब्रीड तो देती है, लेकिन दो बार बच्चों को जन्म देती है, लेकिन एक ही बच्चों को ज़्यादातर जन्म देती है, और दो बच्चों को देने का प्रमाण बहुत ही कम है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके दूध देने की क्षमता के बारे में। दूध देने की बात करें तो ये बहुत ही अच्छी है दूध देने के मामले में। ये 1.5 से 2 लीटर तक दूध देती है, अगर बच्चे देने के बाद। इसका जो पीरियड होता है वो 3 से 4 महीने का होता है, उसमें ये लगातार डेली आपको 1.5 से 2 लीटर दूध दे सकती है। और इसका जो पीरियड होता है 110 से 120 दिनों तक ये दूध देती है। इनमें अगर हम वेट की बात करें, यानी कि वजन की बात करें, इनका मिनिमम वेट कितना हो सकता है दो दांतों पर, तो इनमें जो मेल यानी कि बकरे जो होते हैं, ये 60 से 80 किलोग्राम तक हो जाते हैं, यानी कि एवरेज वेट में बता रहा हूँ आपको,
नॉर्मल खाना देने पे आपको 60 से 80 किलोग्राम का बकरा आपका तैयार हो सकता है। अगर आप ज़्यादा खुराक और ये सब ट्राई करते हो तो इससे भी ज़्यादा वेट ये आपको दे सकते हैं। इनमें जो फीमेल होती है ये 40 से 55 किलोग्राम के आसपास होती है, जो कि मेल के हिसाब में बहुत ही अच्छी होती है और हाइटेड भी होती है। इसके बाद हम इसकी कुछ खासियत के बारे में बात करेंगे। तो खासियत के मामले में ये हैवी वेट है और बहुत ही ज़्यादा दूध देने वाली भी है, मांस उत्पादन के लिए भी अच्छी है, चमड़ी उत्पादन के लिए भी बहुत ही अच्छी है, और कुर्बानी मार्केट के लिए सबसे बेस्ट नस्ल है। इनके नस्ल के बकरे जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, कोटा जो कुर्बानी है बकरा ईद मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा चल रहा है, इनके नस्ल के बकरे लाखों में भी बिक रहे हैं। तो अगर आप कुर्बानी मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो कोटा नस्ल ज़रूर अपने फार्म पे रखें, तो इसमें मुनाफा बहुत ही आप पा सकते हो। और अगर आपके पास पिंक स्किन का कोटा है तो इसमें और भी ज़्यादा फ़ायदा आपको हो सकता है। तो ये थी कुछ खासियत, और ये सूटेबल है कुर्बानी मार्केट के लिए और स्टॉल फीडिंग के लिए भी बहुत ही अच्छी नस्ल है। यानी कि आप अपने गोट फार्म पे भी इसका बकरी पालन कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम बात करें तो इनमें दूध देने की क्षमता भी बहुत ही अच्छी है अन्य बकरियों की तुलना में। जैसे जमनापारी और बीटल नस्ल के टक्कर देने वाली ये जो नस्ल है, इनमें दूध और मांस उत्पादन का भी प्रमाण बहुत ही अच्छा होता है। तो और इनमें जो एक खास बात है, क्योंकि ये कुर्बानी मार्केट के लिए और बकराईद मार्केट के लिए चलती है, क्योंकि ये एग्रेसिव बहुत ही होती है, और आजकल के मतलब छोटे जो बच्चे होते हैं उनको बकराईद के टाइम पे एग्रेसिव बकरे ही बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो कोटा एग्रेसिव के मामले में बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और सबसे ज़्यादा एग्रेसिव नस्ल इसको माना जाता है। तो ये कुर्बानी बकराईद मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी नस्ल है। अगर आप इसको अच्छे से संभालते हो तो आपका बकरा लाखों तक भी बिक सकता है, और क्वालिटी के हिसाब से आपको अगर बकरे सिलेक्ट करने हो तो राजस्थान जाके आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो अच्छी से अच्छे कीमत में। इनकी प्राइस की बात करें तो इनके प्राइस में बहुत ही ये डिफरेंस होता है। अगर आप राजस्थान जाते हो तो आपको 500 रुपये के अंदर ही, 500 रुपये पर केजी के अंदर ही मिल सकते हैं बकरे। लेकिन अगर आप पिंक स्किन या फिर और अच्छे क्वालिटी में लेना चाहते हो तो 1000 रुपये पर केजी से आपको मिल सकता है कोटा नस्ल के बकरे बकरियाँ जो भी आपको चाहिए हो। तो ये जो नस्ल है ये रफ एंड टफ नस्ल है, बीमारी के मामले में भी बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल बीमार ज़्यादा पड़ती नहीं है अगर आप अपने क्लाइमेट में सेट करते हो तो। और कुर्बानी मार्केट के लिए तो सबसे बेस्ट नस्ल है ये। तो ये आप इस नस्ल का अगर आप बकरी पालन करना चाहते हो तो आपका टारगेट मेन होना चाहिए कुर्बानी मार्केट। तो वो हिसाब से आपको बकरे सिलेक्ट करना पड़ेंगे और अपने फार्म पे अच्छे से संभाल के इसे खुराक वगैरह संभाल के 100 किलोग्राम के ऊपर आप इसे इन बकरों को बना सकते हो, और उसमें लाखों का मुनाफा आप कमा सकते हो। तो ये थी कोटा नस्ल के बारे में थोड़ी सी जानकारी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।